भैया बॉम्बे में कोई बहुत मशहूर बड़े मियाँ हैं कबाब वाले, तो उनकी जगह पर आए हैं आज। देखते हैं भाई कहाँ पर हैं ये बड़े मियाँ कबाब वाले, कैसा कबाब है इनके, बड़े मशहूर हैं। सामने कहीं हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अभी बड़े मियाँ कबाब वाले ऐसे कौन से कबाब बना रहे हैं और आज बंद है। ओ हम यहाँ तक आए तो भाई वो आ गया बड़े मियाँ, बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह नल्ला बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ। भाई 1946 से ही रेस्टोरेंट, अबे बड़ा मेंटेन करा भाई 46 से, अभी तक हर चीज़ वैसी की वैसी है, हिली नहीं अपनी जगह से, ज़बरदस्त बनाया हुआ भाई। वहाँ से पुल करना है और यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, चल अंदर चलते हैं, अंदर खाते हैं बड़ी में, वो चेक करते हैं क्या दे रहे हैं। रोटीज हैं, मॉकटेल्स हैं, फलूदा है, लस्सी है, नॉन वेज रोल्स, वेज रोल्स, बहुत अच्छा बड़ा मेन्यू है बड़े मियाँ का, बड़ा बड़ा मेन्यू है। तो भाई अभी सबसे जो मशहूर बड़े मियाँ का है वो है मटन सीख कबाब, वो ऑर्डर करा है साथ में शाही टुकड़े, शाही टुकड़े और मटन सीख कबाब खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे। बड़े मियाँ का इतिहास कैसे है? अच्छा, बड़े मियाँ का इतिहास अच्छा है, आप आते हैं रुकते हैं 5-7 स्टार होटल में, ओबराय में जाके रुके हैं, ताज में जाके रुके हैं, लेकिन आपको खाना खाना हो तो आप बड़े मियाँ में आए, बड़ी मियाँ में आके खाना खाएं, यहाँ की बिरयानी खाएं, यहाँ के कबाब खाएं। कबाब की तो क्या वैरायटी है इनके पास, बेताशा वैरायटी जाहिर सी बात है, लेकिन एक टाइम पे इतना सारा चीज़ तो ट्राई नहीं कर सकते, ट्राई सिर्फ वही कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और बिरयानी का पता चला तो बिरयानी भी ट्राई करूँगा और कबाब भी ट्राई करूँगा। और बड़े मियाँ की जो मेन जो जगह है वो ये अंदर नहीं, वो बाहर की तरफ है जहाँ पे बहुत रश रहता है, और वो दोपहर के बाद खुलती है वो जगह, और वहाँ पे फिर रात तक रश रहता है, वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा रहता है ना। हाँ सर, हाँ लेट नाइट रहता है ना, वो लेट नाइट रहता है वहाँ पे। और चले अभी अपना खाना आ जाए तो फिर उसको दिखाते हैं। इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया में ना खाना अपने हाथ से परोसा जाता है, अपने हाथ से दिया जाता है, अपने हाथ से सर्व किया जाता है। तो मैंने जो कबाब ऑर्डर करे हैं वो जो है वो यहाँ पर आ गया, तो मेरे पास जो है ये कबाब सर्व हो गए, जबरदस्त खाते, साथ में चटनियाँ भी हैं। चटनी डालूंगा मैं सारे को, चटनी को टेस्ट ही कर लेता हूँ। चलिए थोड़ी सी
मिर्ची वाली और खट्टी चटनी है। मैंने इसे वेज पराठा बोला था ना। हाँ वेज पराठा, वेज पराठा है। तो वही मर्ची ऑर्डर कर दो। आप खाएंगे पराठा? भाई ये हैं बड़े मियाँ के कबाब, ये हैं कबाब बड़े मियाँ के कबाब, तो बड़े मज़े हैं। अभी क्या है इसके साथ लच्छा वाला पराठा है वो आएगा, वो भी खाएंगे। लेकिन ये जायका बड़ा कड़क है भाई। इसको ट्राई करिए ना सर। वाह वाह, इसको ट्राई करिए, ट्राई करिए ना उसके साथ। आप ले ना लच्छा पराठा आ रहा होगा। हाँ वो भी ट्राई, वो है ना। मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं। ये लच्छा पराठा है भाई, लच्छा पराठा, लच्छा ही लच्छा है, गर्मा गर्म लच्छा पराठा। जो लच्छा पराठा वैसे साउथ इंडिया का होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। यह है भाई शाही टुकड़ा, बड़े मियाँ का शाही टुकड़ा, थोड़ा सॉफ्ट है, ऊपर गार्निशिंग भी हुई है इसकी पिस्ते की, बादाम की, और मेरे ख्याल में स्लाइस जो है वो भी मोटा वाला है, तो मोटा स्लाइस है, डबल स्लाइस लगा हुआ है ब्रेड का। मीठे में शाही टुकड़ा गर्मा गर्म, ओह ओह हैवी मीठा है भाई। जिनको मीठा बहुत पसंद है वो तो खाएंगे भाई। मज़ा आया भाई बड़े मियाँ के कबाब मीठा खा के मुंबई में। जायका तो है, मज़ेदार है। आप लोग आए, जब भी आपको मुंबई आना हो ज़रूर आए। बहुत पास है ताज के, ओबराय होटल के ताज के पास है, उसके पीछे बैक साइड पे आपको होटल मिल जाएगा। बाहर भी इनका है, मेन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आपको बाहर खड़े हुए खाना है बाहर वो खड़े हुए खा सकते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर एसी में बैठ के खाना है एसी में बैठ के खा सकते हैं। तो जब तक मैं अपना शाही टुकड़ा इंजॉय कर रहा हूँ,
आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।